effect of temperature on mobility and conductivity of electrons and holes. देखो टेम्परेचर बढ़ने से अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, ओमिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, सेमी कंडक्टर नहीं, कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस का क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने से, वो बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है, ऐसे ही था। लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, ये सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में एक फायदा है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भाग जाते हैं। सोचें यहाँ पे लाखों क्लासेस चल रही हैं, लाखों एटम्स हैं सिलिकॉन पूरे इसमें, और उसमें से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लोग कहते गर्मी गर्मी गर्मी, यहाँ से क्लासरूम लूट के नीचे भागना, मार्केट में इकट्ठे हो गए, मार्केट भर गई पूरी इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर होल्स ही होल्स क्रिएट हो गए। तो जो लाखों स्टूडेंट नीचे चला गया, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो फ्री कंडक्शन बैंड में लाखों इलेक्ट्रॉन चला गया और लाखों होल्स भी क्रिएट हो गए, तो फायदा हो गया ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फायदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन रेस में भागेंगे कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन मोबिलिटी घटेगी, आप अगर सोचो मैं भाग लूंगा इतनी भीड़ में भाग नहीं पाओगे, आपकी टक्करें होंगी एक दूसरे के साथ, तो इतनी भीड़ में भागा नहीं जा सकता, मोबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है यहां तक, तो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, तो यही समझा रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर एक्चुअली डिक्रीजेस। तो ऐसा लगता है कि अब सब भाग जाएंगे, वो भाग ही नहीं पा रहे क्योंकि इकट्ठे हो गए इतने ज्यादा, लाखों में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए कंडक्शन बैंड में, भागना उनके लिए मुश्किल है, तो इसीलिए उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बट देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ड्यू टू मोर ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे सिलिकॉन के, तो उतने ही ज्यादा चार्ज कैरियर इकट्ठे होंगे। चार्ज कैरियर कैसे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बहुत ज्यादा होंगे, सो दैट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बढ़ती है। इसको और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया गया इस टॉपिक में, ये आपकी बुकलेट में नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, वो क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। पहले टॉपिक सुन लो उसके बाद आप लिख लेना। टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो एवरेज एनर्जी एक्सचेंज इन अ कोलिजन इंक्रीजेस। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भागेंगे, भागेंगे तो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ही टक्करे मारते हुए जाएंगे। जब टक्करे मारेंगे तो मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस द गैप एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेस। वो कह रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि लाखों इलेक्ट्रॉन नीचे भागेंगे, लाखों सीटी क्रिएट हो जाएंगे। इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ सच पेयर इज प्रोपोर्शनल टू अ फैक्टर ऑफ टी रेज टू पावर 3/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई / 2 के टी। ये इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ जाए तो देख लेना फॉर्मूला कि एक्सपोनेंशियली आपके नंबर ऑफ होल पेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्का दुक्का इंक्रीज नहीं होते, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियली, मैथ्स के लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जिसमें टी फॉर टेम्परेचर, डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप डेल्टा ई है किसी भी एटम के लिए, और के का मतलब बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर है। देख लिया, ऑब्जेक्टिव मार्क कर लिया, लिखने को नहीं आता। वो कह रहा है यानी कि बस मोटा मोटा ये कहना चाहता हूं, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी। वो कह रहा है जी फायदा होगा कंडक्टिविटी में, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा कंडक्ट करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी। तो एक तो ये लॉजिक हो गया, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली वो ये भी कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर इतने लाखों में क्रिएट हो गए और भागने की कोशिश करते हैं, मतलब सोचो खुशी की बात है कि कंडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो कंडक्ट करते हैं, मूव करते हैं, आपस में कोलिजन होनी स्टार्ट हो जाती है स्ट्रक्चर के साथ। जब वो कोलिजन होती है तो उनकी मोबिलिटी गिर जाती है, तो इसमें क्या होता है, मोबिलिटी गिर जाती है एंड रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टर की तरह, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी उसकी क्योंकि वो कोलिजन ज्यादा हो रही है उसमें, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। अब एक थ्योरी कहती है कि इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर से कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने से कंडक्टिविटी कम भी हो जाती है क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में इसका अफेक्ट ज्यादा है, लाखों का अफेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि रेजिस्टेंस का अफेक्ट छोटा पड़ जाता है। तो इसमें एंड में लिखा हुआ है रिजल्टेंट अफेक्ट दोनों का ये होता है दैट रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है, आपको फायदा ही होगा जब आपके
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लाखों इलेक्ट्रॉन जो है वो जब फ्री हो जाएंगे। तो वैसे दो इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि आप इतनी भीड़ इकट्ठी कर लोगे अच्छी बात है कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर ज़्यादा भीड़ में टक्करें भी होंगी कंडक्टिविटी घटेगी, पर ओवरऑल इफेक्ट बढ़ने की तरफ ज़्यादा है तो ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बस ये लिखा हुआ है। तो बस इंक्रीज इन टेम्परेचर।